नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिस लोकसभा सीट को लेकर अब तक सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे थे, आजमगढ़ के जिस लोकसभा क्षेत्र को लेकर अब तक एक के बाद एक खबरें आती जा रही थी, आजमगढ़ की जिस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि यहां पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ मैदानी जंग में उतरते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर देते हुए शुरुआत से दिखाई पड़े। फाइनली आजमगढ़ में वोटिंग हो चुकी है, अब निरहुआ जीतेंगे या उनके हिस्से हार आएगी, इसका फैसला 23 मई को चुनावी नतीजे आ जाने के साथ होगा। लेकिन इन सबके बीच में एक तरफ वोटिंग हो रही थी जोरों शोरों से और वहां दूसरी तरफ निरहुआ का इंटरव्यू हुआ, जहां निरहुआ ने अपने भाई विजय लाल यादव पर चर्चा की। जैसा कि आप सब जानते हैं, विजय लाल यादव वही हैं जिन्हें इससे पहले निरहुआ के तमाम फैंस गद्दार कह चुके हैं, क्योंकि विजय लाल यादव निरहुआ के खिलाफ अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं, निरहुआ के खिलाफ अखिलेश यादव के साथ मिलकर बिरहा गा रहे हैं। निरहुआ कहते हैं नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। भाई विजय लाल यादव निरहुआ के खिलाफ जाकर कहते हैं दूध रोटी खाएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। इन सबके बीच में भाइयों के बीच की गर्मा गर्मी चुनावी माहौल के बीच भी दिखाई पड़ी। निरहुआ का इंटरव्यू हुआ जहां पर उनसे कई तरह के सवाल किए गए। पहला सवाल भाई विजय लाल यादव पे किया गया, निरहुआ से पूछा गया कि आपके भाई आप ही के खिलाफ है क्यों। फिर निरहुआ से किया गया कि सवाल कि भाई आप तो जो है फिल्म स्टार हैं, आजमगढ़ के लोग क्यों आपको वोट देंगे, आप तो चुनाव जीतने के बाद फिल्में बनाने चल देंगे तो यहाँ की जनता का क्या होगा। निरहुआ से किया गया सवाल कि आप तो रहते भी मुंबई में है, जनता आप पर क्यों भरोसा करे। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए निरहू क्या कहते हैं, भाई निरहुआ अब निरहू जी बन चुके हैं, तो जब निरहू जी से किए गए ये सारे सवाल भाई विजय लाल यादव की गद्दारी से लेकर चुनाव अगर वो जीतते हैं तो आजमगढ़ के लिए क्या क्या काम करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब में निरहुआ ने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी खास रिपोर्ट। देखिए जरा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की किस्मत का फैसला आजमगढ़ की जनता ने कर लिया है, क्योंकि आजमगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। और इन सबके बीच में आपको बता दें, निरहुआ का एक इंटरव्यू हो रहा है वायरल। आजमगढ़ में निरहुआ की जीत होगी या निरहुआ को पहले ही मुकाबले में हार का स्वाद चखना पड़ेगा, इन सब सवालों के जवाब तो 23 मई को चुनावी नतीजे आ जाने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन इन सबके बीच में हम सबसे पहले यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं किसी और को लेकर नहीं, बल्कि निरहुआ के इंटरव्यू को लेकर। जी हाँ, निरहुआ का हुआ है एक इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में उनसे उनके भाई विजय लाल यादव को लेकर सवाल किया गया। इस इंटरव्यू में निरहुआ से विजय लाल यादव किस तरीके से उनके भाई हैं, बावजूद इसके उन्हीं के खिलाफ जाकर मिल बैठे किसी और से नहीं बल्कि अखिलेश यादव से, इन सबके साथ ही और भी कई सवाल निरहुआ से किए गए। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए निरहू ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निरहुआ से किया गया सवाल कि रमाकांत यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, आपके भाई भोजपुरी गायक विजय लाल यादव वो भी आपके खिलाफ हैं, ऐसा भला क्यों। जिस पर निरहुआ ने कहा, देखिए ये लोकतंत्र है और इसी को कहते हैं लोकतंत्र। मेरा बड़ा भाई अगर उसकी ये सोच है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया राहुल गांधी जी चलाएंगे या गठबंधन का कोई नेता चलाएगा, तो मैं उसको पूरी आजादी देता हूँ कि भैया आप उनका प्रचार कीजिए, मेरे विरोध में प्रचार कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर चलाया है, बढ़िया चलाएंगे, तो मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ। हर आदमी की अपनी स्वतंत्र राय होनी चाहिए और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। बता दें आपको, निरहुआ के भाई विजय लाल यादव ने आजमगढ़ में प्रचार के आखिरी दिन जाकर निरहुआ के खिलाफ जमकर जहर उगला। यहां पर विजय लाल यादव ने आजमगढ़ की जनता से कहा कि मैं निरहुआ का भाई हूं, बावजूद इसके आपसे यही कहूंगा कि मेरे भाई को हराओ, मेरे भाई निरहुआ को वोट मत दो। निरहुआ ने यहाँ पर यह भी कहा कि विजय लाल यादव जो चाहते हैं उन्हें वो करने दीजिए, जबकि यहाँ पर विजय लाल यादव कहते हैं आजमगढ़ की जनता से कि निरहुआ को हराना है। बता दें आपको, राजनीति के अखाड़े में
भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए नजर आए। खैर इन सबसे हटकर अगला सवाल दिनेश लाल यादव निरहुआ से इस इंटरव्यू में किया गया कि आप फिल्मकार हैं, काफी पॉपुलर हैं, आपको देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, आप मुंबई में रहते हैं क्यों? आपको वहां के मतदाता अखिलेश मुकाबले के रिपीट, आप मुंबई में रहते हैं तो ऐसे में आपको वहां के मतदाता अखिलेश यादव के मुकाबले वोट दें ऐसा क्यों? आजमगढ़ के लोग आपको क्यों वोट देंगे जब आप मुंबई में रहते हैं? तो जिस पर निरहुआ कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग मुझे इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है पिछली बार उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपना सांसद चुना, वो अपना प्रमाण पत्र भी लेने आजमगढ़ नहीं आए। निरहुआ अब राजनीति में नहीं था, फिर भी आज फिल्में यहीं पर आकर उसने बनाई हैं। सबको पता है कि निरहुआ का लगाव आजमगढ़ से है और निरहुआ आजमगढ़ छोड़कर नहीं जाएगा, ये बात निरहुआ ने कही। अब इन सबके मुकाबले निरहुआ से सवाल किया गया, फिर तो वोटर भी ये सोचेगा कि आप फिल्में बनाने आएंगे लेकिन जनता के लिए काम कौन करेगा? एक फिल्म कलाकार तो कैमरों के सामने शूटिंग कर सकता है, जनता आप पर क्यों भरोसा करे? जिस पर निरहुआ कहते हैं कि देखिए ये सब जनता देख रही है, जनता देख रही है कि जो लड़का रहता था फिल्मी दुनिया में वो गांव गांव धूल फांक रहा है, घूम रहा है, एक आदमी जो यहां से जीता हुआ है वो आया तक नहीं, जिसके पास वोट तक मांगने का टाइम नहीं है, वो जीतने के बाद क्या करेगा, ये सब जनता समझ रही है। इसके बाद निरहुआ से सवाल किया गया कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से 3 बार सांसद रहे रमाकांत यादव का टिकट काटकर आपको उतारा गया, ये भी कहीं अंडर करंट हो सकता है, नाराजगी हो सकती है। इस पर निरहुआ ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, रमाकांत यादव जी के बेटे मेरे साथ हैं और वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। रमाकांत यादव भी उसी सोच के हैं जिस सोच के पहले के लोग थे कि भाई ये यादव हैं, इसी के साथ रहना है। अब लोगों ने समझ लिया है कि ये लोग हमको जाति में बांधकर हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। निरहुआ आया है, निरहुआ को लोग निरहुआ हिंदुस्तानी के रूप में जानते हैं और आज मैंने पूरे आजमगढ़ के लोगों को निरहुआ हिंदुस्तानी की तरह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अपने इंटरव्यू में निरहुआ पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ भरे रहे, निरहुआ को पूरा यकीन था कि आजमगढ़ में वही जीतेंगे, इस यकीन के साथ उन्होंने लोगों से बातें की। अब निरहुआ का यकीन कितना सही साबित होता है, इन तमाम सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा 23 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे, तभी इन सब सवालों का जवाब जनता को मिल पाएगा और हमें भी।